हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहा है सुबह के 11:30, लेकिन अभी तक कोई धूप नहीं है क्योंकि कंटिन्यूअसली 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रहा है और इसमें है हमारा फील्ड प्रैक्टिकल। तो अभी हम जा रहे हैं। तो आज है हमारा सेकेंड डे ऑफ रॉय प्रोग्राम और इसके लिए हम आए हैं मोंडोरी के फ्लावर फार्म में। इधर फ्लावर के साथ साथ और भी बहुत सारे फार्म्स है, प्लांटेशन का फार्म से मतलब बहुत सारा कोकोनट का पेड़ है। और फिर इधर हम लोग बर्ड वॉचिंग के लिए भी आए थे। फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फ्लावर्स, तो इधर देख सकते हो अभी पूरा खाली है, लेकिन जब विंटर का सीज़न आएगा ना, मतलब कुछ दिनों के बाद ही ये पूरा भर जाएगा। तो ये देखो साइड में बहुत सारा ग्रीन हाउसेस भी है, और अगर हम अंदर जाके देखें तो इधर बहुत सारा वो सीडलिंग्स बनाने के लिए वो पैन में रखे। हम लोग जब सेकेंड ईयर में थे, हमारा फ्लोरिकल्चर का सब्जेक्ट था, तब हम लोगों ने भी बहुत सारा जीनिया मैरीगोल्ड इनका हम लोगों ने सीडलिंग्स बनाया था। अभी हो रहा है हमारा अटेंडेंस। ओ फल है, निकल निकल, बीज है इसका। हाँ देख, वैसा ही लग रहा है, इसका फ्रूट है। हाथ बचा के कहीं बोना लग जाए। ये देख। तो अभी हम देखने वाले हैं जरबेरा का ग्रीन हाउस। इधर से ही दिख रहा है बहुत सारा, और देखो बोला ना बारिश है इसलिए पूरा मिट्टी से जूता वूता सब खराब हो गया। किंतु हमारे এখানে টেম্পারেচার কত পৌঁছা? 40 কাছে কি বাজাবো? तो ये जो कल्टीवर देख रहे हो, ये एक येलो कल्टीवर है, इसका नाम है जरबेरा जेम्सोनी। और इसके अलावा भी और बाकी सारे कलर का भी जरबेरा है इधर। সেক্ষেত্রে কি করা হয় না, এই যে দেখছো না ফগার, আর এই পলিশের উপরে গাইরোনেট আছে, একদম স্প্রিংলার গাইরোনেট, ঠিক আছে। সে গাইরোনেট কি করে না, যখন টেম্পারেচার 40 উঠে যায়, তখন সকাল 10টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত এই সময়ে প্রতি আধ ঘন্টা অন্তর 5 মিনিট চালানো। तो इधर रेड कलर का कल्टीवर लगा हुआ है, इसका भी बहुत सारा वैरायटी होता है, जैसे कि एलमुंडो, फिर सबाना, स्टैंजिया करके। और अभी हम देख रहे हैं ये जो है, ये पिंक कलर का कल्टीवर है, इसका भी बहुत सारा वैरायटी होता है, जैसे कि रोजालिन। और अब जो देख रहे हैं ये वाला है वाइट टाइप का कल्टीवर, इसका भी वैरायटी लाइक बैलेंस इधर लगा हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सेकेंड ग्रीन हाउस में। ये ग्रीन हाउस पहले ग्रीन हाउस से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बाहर से अंदर से शायद अच्छा ही होगा, थोड़ा डेवलप लग रहा है। तो फिर चलो अंदर जाके देखते हैं। सो इन दिस ग्रीन हाउस ऑर्किड इज बीइंग कल्टीवेटेड, सो वी कैन सी दैट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्किड्स। इधर देख सकते हो कि ये वाला जो है, मैं इसको बाद में जूम करके दिखाऊंगी कि ये सब सॉइललेस मीडिया में हो रहा है। তোমরা জানো যে অর্কিড সাধারণত হিলি এরিয়াতে হয়, বিশেষ করে তোমাদের মতো ছোট ছোট আমি নিয়ে গেছিলাম, একবার সিকিম নিয়ে গেছিলাম, ওই একই ব্যাচকে আবার কুলুমানিরও নিয়ে গেছিলাম, সিমলা, হিমালয়ের এক প্রান্তে ফুল আর এক প্রান্তে ডেনড্রবে একই ভাইলাম। এরও ফুল ভালো হয়, তবে কি এটা কাঠফল না, এটা অর্নামেন্টাল প্ল্যান্টের জন্য ঠিক আছে। तो अभी जो देख रहे हो ये है सिम्बीडियम टाइप ऑफ ऑर्किड। ये जो असल में ऑर्किड है, ये टेरिस्ट्रियल टाइप है, ठीक है। तो इसके वजह से देखो इसको नीचे सॉइल में, सॉइल भी नहीं है इधर, कोको पेट, फिर टाइल्स वगैरह, इन सब में ये मीडिया है इनका, इन सब में इसको ग्रो किया जा रहा है। तो अभी मैं नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ। तो अभी जो देख रहे हो ये सब डेंड्रोबियम्स टाइप ऑफ ऑर्किड है, और ये सब एपिफाइटिक होते हैं। एपिफाइटिक मतलब इनमें एरल रूट्स होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो इधर किधर भी सॉइल नहीं है, इधर देखो सिर्फ वो कोकोनट हस्क जो है उसमें इसको लगा दिया है, तो ऐसे ही ये ग्रो हो जाता है, इनके लिए किधर भी सॉइल की ज़रूरत नहीं होता है। तो सर अभी तक यही समझा रहे थे, जो ये ऑर्किड है ना, ये कूलर एरियाज के प्लांट्स है, तो इसको अगर हम लगाएंगे तो इसको ज़्यादा शेड की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए इसका जो ग्रीन हाउस देखा ये उनसे भी, ये पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा है, नेट दिया हुआ है, ब्लैक से कवर्ड है। तो अभी जो देख रहे हो ये सब है एंथुरियम के प्लांट्स, ठीक है। एंथुरियम का पेड़ अगर नहीं देखा होगा तो मैं वो पिक दे दूंगी। तो अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं कोई नेक्स्ट ग्रीन हाउस में। देखो पूरा भीड़ हो गया है, ठीक है, फिर भी चलते हैं।
तो ये सब है, ये वाला है क्राइजेंथेमम का ग्रीन हाउस। देख सकते हो इधर बहुत सारे क्राइजेंथेमम का सैपलिंग्स है, इन सबको स्टेकिंग किया गया है वरना इसमें बेंडिंग हो जाता है, और इसमें रेगुलर पिंच ये सब बहुत जरूरी होता है। और ये भी है एक विंटर सीजन क्रॉप, ठीक है, और इसको जरूरत पड़ती है शॉर्ट डे लेंथ, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इसको चाहिए होता है लॉन्ग डे लेंथ, ठीक है। तो आप लोग इधर देख सकते हो कि क्राइसेंथेमम के सैपलिंग्स को ऐसे आर्टिफिशियल लाइटनिंग दिया जाता है उन लोगों के डे लेंथ के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये पूरा ऐसे ही भरा हुआ है और बाकी सब भी क्राइसेंथेमम का ही सैपलिंग्स लगा हुआ है इधर। तो प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद इसको मैं घर लेके आ गई। देखो इसको मैंने मनी प्लांट के साथ रख दिया, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों। तो आज का व्लॉग मैं इधर ही खत्म करती हूँ। स्टे हैप्पी, बाय बाय।